राधे राधे राधे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय लड्डू गोपाल की, जय पाल गोपाल की। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे भक्ति कैसे करें, कैसे करें सच्ची भक्ति। तो फ्रेंड्स, प्रभु को क्या सबसे ज़्यादा प्रिय होता है? प्रभु को अपने भक्तों का सच्चा प्रेम और भाव प्रिय होता है। तो फ्रेंड्स, हमारे कान्हा जी किससे प्रसन्न होते हैं? हमारे मन के सच्चे भाव और प्रेम से। जब हम लड्डू गोपाल जी के श्री चरणों में समर्पित हो जाते हैं और कह देते हैं प्रभु आप ही हमारे हो, तो वही हमारी सच्ची भक्ति होती है, सच्चा प्रेम होता है उनके लिए। और हम प्रभु को क्या दे सकते हैं? प्रभु तो हमेशा सब कुछ देने वाले होते हैं, जो पूरी सृष्टि को चलाने वाले होते हैं, तो उन्हें हम क्या दे सकते हैं? तो फ्रेंड्स, केवल हमारे मन का सच्चा प्रेम और भक्ति जब हम प्रभु की करते हैं तो प्रभु हमेशा हमारे साथ होते हैं। और घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं बहुत ही प्रेम से, भाव से, समय से, उन्हें नींद से जगाने का, सुलाने का और स्नान कराने का, श्रृंगार करने का, सुंदर सुंदर वस्त्र लाते हैं उनके लिए, सुंदर माला आभूषण लाते हैं। तो फ्रेंड्स, वही हमारा सच्चा प्रेम होता है प्रभु के लिए। हम प्रभु के लिए सोचते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्हें ज्वेलरी की, कपड़ों की कोई कमी नहीं होती, लेकिन वो हमारे मन का प्रेम है उनके लिए, जो हम उनके लिए करते हैं। उनके लिए कुछ भी अच्छा सा बनाना, भोजन में बनाना, भोग बनाना, जैसे आज हम अपने कान्हा के लिए लड्डू बना रहे हैं, या कुछ भी बनाते हैं मन से, भाव से, वही हमारी भक्ति होती है। और भक्ति में कोई नियम नहीं होते। जब लड्डू गोपाल जी घर में होते हैं तो उन्हें हमें समय से उठाते हैं, उन्हें प्रेम करते हैं, भक्ति भाव से उन्हें स्नान कराते हैं, सुंदर से वस्त्र पहनाते हैं, सुंदर सा श्रृंगार करते हैं। जब हम कान्हा जी का श्रृंगार करते हैं, उन्हें वस्त्र पहनाते हैं, तो कई बार कान्हा जी को गुस्सा भी आता है और नाराज़ भी होते हैं। वो मतलब हमें श्री विग्रह में बता देते हैं लड्डू गोपाल जी, जब हम उनकी सेवा करते हैं तो वो भी अपना होने का एहसास हमें कराते हैं। और वो कभी गुस्सा नखरा भी करते हैं तो उसमें, जैसे वो पगड़ी नहीं पहनते, कई बार गिरा देते हैं, या कोई पोशाक हम पहनाते हैं वो नहीं पहन पाते हैं अच्छे से, तो हमें समझ जाना चाहिए कि कान्हा जी को आज दूसरी पोशाक या दूसरी पगड़ी पहननी है। तो इस तरह से वो छोटी छोटी अपनी नटखट शरारतें करते हैं और हमें एहसास कराते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। जब हम उनसे प्रेम से भक्ति करते हैं प्रभु की, तो वो भी अपने श्री विग्रह में हमें अपने होने का एहसास कराते हैं। वो हमारे इष्ट हैं। जब हम उन्हें अपना इष्ट मान लेते हैं और मन से उनकी भक्ति करते हैं, तो हमारे कान्हा जी हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ रहते हैं, दुखों को दूर करते हैं और सुखों को खूब बढ़ाते हैं, और हर परेशानी में हमारा समाधान निकालते हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादा जानते हैं हमारे प्रभु हमारे लिए क्या सही और क्या गलत होता है। तो कभी कभी हमारे जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, तो हमें कभी डरना घबराना नहीं चाहिए, अपने प्रभु की शरण में रहना चाहिए, उन पर अटूट विश्वास बनाए रखना चाहिए, तो वो हर दुविधा का, हर संकट का समाधान निकाल देते हैं और हमें हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ प्रदान करते हैं, हमेशा खुशियाँ देते हैं और हमारे घर में हमेशा आनंद बन के रहते हैं। और पूर्ण विश्वास के साथ जब हम उनकी पूजा और भक्ति करते हैं तो वो हमेशा हमारे साथ होते हैं और हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो इस तरह मन से, भाव से, प्रेम से भक्ति करें, और भक्ति में कोई नियम नहीं होते हैं। अपने लाला के जैसे मान के पूजा करें, भक्ति करें, और आप कान्हा जी से रिश्ता ज़रूर बनाइए। जो भी रिश्ता आप बनाएंगे, वो मेरे लड्डू गोपाल बहुत ही अच्छे से निभाते हैं, तो इसलिए लड्डू गोपाल जी की सेवा ज़रूर करें, एकादशी व्रत ज़रूर करें और लड्डू गोपाल जी की बड़े मन से, भाव से, प्रेम से सेवा करते रहें और प्रेम से बोले राधे राधे राधे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय लड्डू गोपाल की, जय बाल गोपाल की।